नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव राज शुक्ला। लोकतंत्र देश की आत्मा है, जहां जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन सुनिश्चित होता है, और इसलिए हर 5 साल में केंद्र और राज्यों में संपन्न होते हैं चुनाव, जिसमें जनता खुद अपना शासन चुनती है। चुनाव की इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बरकरार रखने के साथ ही निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव संपन्न कराने का पूरा जिम्मा जिस संवैधानिक संस्था के कंधों पर है, उसका नाम है चुनाव आयोग। लेकिन जब चुनाव प्रचार में बात मुद्दों, दावों और वादों से निकलकर आरोप प्रत्यारोप, मारपीट, दंगा फसाद, तोड़फोड़ और गाली गलौच पर उतर आए, तो यकीनन लोकतंत्र की आत्मा छलनी होती है, और तब इस संवैधानिक संस्था की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो सख्त से सख्त कदम उठाए और आदर्श आचार संहिता की कसौटी पर हर नेता, हर पार्टी, हर एक राजनीतिक गतिविधि को कसे। इस बार पश्चिम बंगाल में हुई राजनीतिक हिंसा के बाद चुनाव आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत कदम उठाकर एक कड़ा संदेश दिया है कि आदर्श आचार संहिता सर्वोपरि है। आज विशेष में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में हुई हालिया हिंसा और उससे उपजे विवाद की, चुनाव आयोग के कड़े प्रहार की, बताएंगे अनुच्छेद 324 है क्या और आचार संहिता के साथ ही अब तक चुनाव सुधार के लिए देशों में क्या क्या कदम उठाए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विशेष। पश्चिम बंगाल में जारी चुनावी हिंसा को राज्य की 9 लोकसभा सीटों पर 19 मई को होने वाले मतदान के लिए निर्धारित अवधि के एक दिन पहले ही प्रचार अभियान पर रोक लगा दी गई। ये पहला मौका है जब चुनाव आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इस तरह की कार्रवाई करनी पड़ी हो। चुनाव प्रचार को वास्तव में शुक्रवार शाम 5 बजे समाप्त होना था, लेकिन राज्य में समय से पहले ही इस पर रोक लगा दी गई है। 17वीं लोकसभा चुनाव के लिए आखिरी यानी 7वें चरण का मतदान बाकी है। इस बीच संविधान का अनुच्छेद 324 सुर्खियों में है। पश्चिम बंगाल में चुनावी रोड शो के दौरान चुनावी हिंसा हुई, इसके बाद अनुच्छेद 324 का इस्तेमाल करते हुए चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया। आयोग ने चुनाव प्रचार अभियान पर तय समय से पहले ही रोक लगा दी। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में मंगलवार को हुई चुनावी हिंसा के मद्देनजर चुनाव आयोग ने ये फैसला किया। चुनाव आयोग ने बुधवार को आदेश जारी करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में 16 मई को रात 10 बजे से हर प्रकार का प्रचार अभियान प्रतिबंधित हो जाएगा। उपचुनाव आयुक्त चंद्रभूषण कुमार ने बताया कि देश के इतिहास में संभवतः ये पहला मौका है जब आयोग को चुनावी हिंसा के मद्देनजर किसी चुनाव में निर्धारित अवधि से पहले चुनाव प्रचार प्रतिबंधित करना पड़ा हो। Hereby directs that no person shall convene, hold, attend, join or address any public meeting or procession in connection with an election or display to the public any election matter by means of cinematograph, television or other similar apparatus. This would probably be the first time when ECI has invoked Article 324 in this manner, but it may not be the last in cases of repetition of lawlessness and violence which vitiate the conduct of polls in a peaceful and orderly manner. पूर्व निर्धारित चुनाव कार्यक्रम के तहत आखिरी चरण के मतदान से 48 घंटे पहले 17 मई को शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार थम जाता, लेकिन पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति का हवाला देते हुए चुनाव आयोग ने एक दिन पहले चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी। चुनाव प्रचार पर ये रोक 19 मई को शाम 5 बजे मतदान पूरा होने तक जारी रहेगी। मंगलवार को कोलकाता में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो के दौरान तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ हुई हिंसक झड़प की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए ये कार्रवाई की गई है। हिंसा के दौरान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति तोड़े जाने के बाद राज्य में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर चुनाव आयोग ने गंभीर नाराजगी जताई। Election Commission of India is deeply anguished at the vandalism done to the statue of respected late Sri Ishwar Chandra Bandyopadhyay, who was conferred the title of Vidyasagar
by Sanskrit College, Kolkata. Besides his many other achievements as a philosopher, academic educator, writer, and philanthropist, he worked all his life in the cause of widow remarriage, which was unthought and unheard of in the ultra-conservative societies of those days. It is hoped that the vandals are traced by the state administration. लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण में पश्चिम बंगाल की 9 सीटें दमदम, बारासात, बशीरहाट, जयनगर, मथुरापुर, डायमंड हार्बर, जाधवपुर, कोलकाता दक्षिण और कोलकाता पश्चिम सीट पर वोटिंग होनी है। इस बीच चुनाव आयोग ने राज्य में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अजय नायक को विशेष पर्यवेक्षक और पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी विवेक दुबे को विशेष पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किया है। इसके अलावा आयोग ने पश्चिम बंगाल में तैनात प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा के 2 अधिकारियों को भी सेवा मुक्त कर इन्हें चुनाव प्रचार से दूर रहने का आदेश दिया है। आयोग ने पश्चिम बंगाल की खुफिया खाका के अतिरिक्त महानिदेशक राजीव कुमार को सेवा मुक्त कर केंद्रीय गृह मंत्रालय से संबद्ध कर दिया है। साथ ही आयोग ने पश्चिम बंगाल के गृह सचिव अत्री भट्टाचार्य को भी सेवा मुक्त कर उनका प्रभार राज्य के मुख्य सचिव को सौंपने का आदेश दिया है। जिस तरह की परिस्थिति बन रही थी और जिस तरीके से कैंपेनिंग चल रही थी, वहाँ रोज लड़ाई झगड़े होते थे और कुछ लोग पिछले जो 2-4 दिनों में जो कुछ हुआ वहाँ, तो उससे और भी डर लग रहा था। तो इस वजह से इलेक्शन कमीशन को कुछ ऐसा कदम उठाना पड़ा जिससे कि जो अब बाकी 2-4 दिन जो बच गए हैं उसमें वो उनका पर्टिकुलरली वेस्ट बंगाल में वो पीसफुल और चुनाव हो सके, फ्री एंड फेयर चुनाव हो सके। मंगलवार को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो के बाद कोलकाता में व्यापक पैमाने पर हुई हिंसक घटनाओं के कारण राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति नाजुक हो गई है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कैंपस और विद्यासागर कॉलेज में मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस की छात्र इकाई और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। हिंसा के दौरान महान समाज सुधारक और पश्चिम बंगाल के आदर्श पुरुष के रूप में विख्यात ईश्वर चंद्र विद्यासागर की 9वीं सदी की एक प्रतिमा भी क्षतिग्रस्त की गई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पश्चिम बंगाल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति तोड़े जाने की कड़ी निंदा की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक सामाजिक सुधारक, शिक्षाविद और पुनर्जागरण काल के आइकन थे। वो विधवा पुनर्विवाह और महिला सशक्तिकरण के प्रणेता थे। उनके आदर्श सभी भारतीयों को प्रेरित करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका गठन भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से देश के प्रतिनिधिक संस्थानों में प्रतिनिधि चुनने के लिए किया गया था। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है जो ये सुनिश्चित करती है कि चुनाव बिना किसी बाधा और रुकावट के संपन्न हो। आजादी के बाद भारत के संविधान निर्माताओं ने देश में चुनाव को निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से संपन्न कराने के लिए एक निर्वाचन आयोग की परिकल्पना की। इसके लिए बाकायदा संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक एक निर्वाचन आयोग के गठन, काम और अधिकार की चर्चा की गई। इस तरह निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था है जो संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारत में होने वाले चुनावों और चुनावी प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है। देखिए, चुनाव आयोग एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। इसको किसी गवर्नमेंट के या किसी लॉ में या पार्लियामेंट के किसी एक्ट से नहीं बनी है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनी तो उन्होंने महसूस किया कि इलेक्शन कमी एक हमारे जो कंट्री में इलेक्शंस करवाने के लिए एक बिल्कुल स्थाई और इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होनी चाहिए जिससे कि चुनाव जो है वो फ्री एंड फेयर हो सके। संविधान के अनुच्छेद 324 एक के मुताबिक संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए होने वाले सभी चुनावों के साथ ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण एक निर्वाचन आयोग में निहित होगा। यानी अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग चुनाव का संचालन, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार रखता है।
इस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग उन सभी मामलों में दखल दे सकता है जिनमें वैधानिक रूप से स्पष्टता नहीं है, ताकि चुनाव आयोग शांतिपूर्ण तरीके से इसे सुनिश्चित करा सके। देखिए, धारा 324 में ये लिखा है, तीन जो वर्ड्स यूज किए हैं, सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस, तो ये जिम्मेवारी इलेक्शन कमीशन की दी गई है उस धारा 324 में। लेकिन उसको इंटरप्रेट करते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में कहा है कि जहाँ भी कोई इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शन का मतलब है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और जब आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने की आर्टिकल 324 में आपको जिम्मेवारी दी गई है इलेक्शन कमीशन को, तो उसके लिए आपको जो है पूर्ण स्वतंत्रता मिलेगी। और अगर कानून जो पार्लियामेंट ने बनाए हैं उन कानूनों में कोई कमी है या कोई ऐसी समस्या उत्पन्न होती है जो कि जिसके बारे में कोई कानून नहीं बन पाया, जिसकी वजह से वो सिचुएशन जो है लीगली सॉल्व नहीं हो सकती है, तो इस धारा 324 के अंडर आप जो है आपकी जो प्लीनरी पावर है उसको इस्तेमाल करके और उस समस्या को हल कीजिए। वहीं अनुच्छेद 325 में किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग के आधार पर निर्वाचक नामावली में शामिल होने से वंचित नहीं किए जाने का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 326 के तहत लोकसभा और विधानसभाओं का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर कराए जाने का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 327 के तहत संसद प्रत्येक सदन और राज्य विधानमंडलों के लिए निर्वाचन संबंधी विधि बना सकती है। इसमें निर्वाचन नामावली तैयार कराना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, ये सब विषय शामिल हैं। इसी तरह अनुच्छेद 328 के तहत किसी राज्य के विधानमंडल को उस राज्य के निर्वाचन से जुड़े नियम बनाने की शक्ति है, लेकिन इसके साथ शर्त ये है कि ये नियम संविधान के अनुकूल हो और संसद को इस पर कोई आपत्ति न हो। वहीं अनुच्छेद 329 में ये प्रावधान है कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं होगा। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। साल 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था और मूल रूप से चुनाव आयोग में केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था। पहली बार 16 अक्टूबर 1989 में दो अन्य निर्वाचक आयुक्तों की नियुक्ति की गई, लेकिन ये नियुक्ति केवल 1 जनवरी 1990 तक ही थी। उसके बाद 1 अक्टूबर 1993 को दो अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई। तब से ही एक मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दो चुनाव आयुक्त रखने की अवधारणा चली आ रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल तक की उम्र का होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग की प्रक्रिया के तहत ही हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य देश में पारदर्शी तरीके से चुनाव कराना होता है। इसमें राज्यों के साथ केंद्र से जुड़े चुनाव और नगरपालिका के चुनाव भी शामिल है। इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का दायित्व भी निर्वाचन आयोग का होता है। निर्वाचन आयोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी नियमित अंतराल पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराना है। इसके तहत चुनाव आयोग का काम मतदाता सूचियों को तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू करना भी है, ताकि स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव कराए जा सकें। इसके अलावा चुनाव आयोग चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन और चुनाव में होने वाले खर्च की सीमा भी तय करता है। निर्वाचन आयोग इलेक्टोरल रोल और वोटर्स की लिस्ट भी समय समय पर अपडेट करता रहता है। साथ ही चुनाव की तारीखों की घोषणा और चुनाव समापन की घोषणा भी निर्वाचन आयोग ही करता है। उनका कार्य है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है कि आप इलेक्टोरल रोल्स बनाएंगे और इलेक्शंस करेंगे, किसके, पार्लियामेंट के दोनों सदनों के और जितनी स्टेट्स में असेंबलीज हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं कुछ कुछ स्टेट्स में उनके, और भारत के जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इनके चुनाव जो हैं ये आप करवाएंगे। संविधान द्वारा निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने के लिए काफी अधिकार प्रदान किए गए हैं। संविधान के तहत आयोग को ये अधिकार है कि चुनाव के वक्त कोई स्थिति पैदा होने पर
पहले से जारी कानूनों में अगर अपर्याप्त प्रावधान है तो आयोग उचित कार्रवाई कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चुनावी अभियान के दौरान राजनीतिक दलों के बीच टकराव को रोकने के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता में भी नियम कायदे निहित हैं। जब जब चुनाव होता है तो आदर्श चुनाव आचार संहिता सुर्खियों में आ जाती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र के आधार हैं। इसमें मतदाताओं के बीच अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को रखने के लिए सभी राजनीतिक दलों को उम्मीदवारों को समान अवसर और बराबरी मिलती है। आदर्श आचार संहिता का मकसद ही है कि चुनाव निष्पक्ष, स्वतंत्र और निर्विवाद रूप से संपन्न हो। आदर्श आचार संहिता का मकसद सभी राजनीतिक दलों के लिए बराबरी का समान स्तर उपलब्ध कराना है। इसका मकसद प्रचार अभियान को निष्पक्ष और स्वस्थ रखना, दलों के बीच झगड़ों और विवादों को टालना है। केंद्र या राज्यों की सत्ताधारी पार्टी की ओर से आम चुनाव में अनुचित लाभ लेने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना भी इसका मकसद है। आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए आचरण और व्यवहार का मानक है। ये सरकार, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और जनता को दिए गए निर्देश हैं, जिसका पालन चुनाव के दौरान किया जाना जरूरी है। हम कह सकते हैं कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग के बनाए गए नियमों को ही आचार संहिता कहते हैं। आचार संहिता लागू होते ही शासन और प्रशासन में कई अहम बदलाव हो जाते हैं। आदर्श चुनाव संहिता है, पॉलिटिकल पार्टीज ने मिल के बहुत ही इसका शुरू हुआ था 1960 में। केरला में एक इलेक्शन था, वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग हुई, फिर उन्होंने कहा कि हम जो है ये करेंगे और ये नहीं करेंगे। तो वो बढ़ती बढ़ती 1991 में एक पर्टिकुलर फॉर्म में आया, उसको जिसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहना शुरू कर दिया। तो उसमें बहुत कुछ है, पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, हम अपनी मर्जी से कोई जुलूस नहीं निकालेंगे, परमिशन लेंगे, और फिर गवर्नमेंट पर बंधन लगाया कि किसी की सरकार हो वो जो है वो इस पीरियड में ये नहीं करेगी, अपना दुरुपयोग नहीं करेगी गवर्नमेंट मशीनरी का। सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को आदर्श आचार संहिता के तहत साधारण आचरण में किन बातों का ध्यान रखना होता है। कई दल या उम्मीदवार ऐसा काम ना करें जिससे जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच मतभेद बढ़े या घृणा फैले या तनाव पैदा हो। राजनीतिक दल ऐसी कोई भी अपील जारी नहीं करेंगे जिससे किसी की धार्मिक या जातीय भावनाएं आहत होती हैं। राजनीतिक दलों की आलोचना कार्यक्रम और नीतियों तक सीमित हो। आचार संहिता के तहत व्यक्तिगत आलोचना की अनुमति नहीं है। वोट हासिल करने के लिए जातीय या सांप्रदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं दी जानी चाहिए। धार्मिक स्थानों जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों या पूजा के अन्य स्थानों का उपयोग चुनाव प्रचार के मंच के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को वोट हासिल करने के लिए भ्रष्ट आचरण का उपयोग नहीं करना है। मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को परेशान करना, मतदाताओं पर दबाव बनाना मना है। मतदान केंद्र से 100 मीटर के भीतर वोट मांगना मना है। मतदान खत्म होने के लिए निर्धारित समय से किसी की अनुमति के बिना उसकी दीवार, अहाते या भूमि का उपयोग नहीं किया जा सकता। पार्टी या उनके उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके समर्थक दूसरे दलों के चुनावी सभाओं या जुलूसों में बाधा पैदा नहीं करें। आपने खुद मिलकर बैठकर कोई चीज़ बनाई कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, और इलेक्शन कमीशन से कहा कि भाई आप देखो हमारे रेफरी की तरह कि भाई हम ठीक काम, ये पार्टी ठीक काम कर रही है, नहीं काम कर रही है, अगर कोई नहीं करेगा तो हम आपका शिकायत लेके आएंगे, आप इलेक्शन कमीशन उसमें देखिए। तो अधिकार इलेक्शन कमीशन का उनके पास यही है कि भाई हम आपको नोटिस देते हैं, पूछते भाई आपने ये ऐसा क्यों किया, जवाब मिलता है, उसके बाद में अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो इलेक्शन कमीशन उसको कहता है कि आपने बहुत गलत किया, हम लोग बहुत दुखी हैं इससे, आपको सेंसियर करते हैं, रिप्रीमेंड करते हैं। आदर्श आचार संहिता के तहत सभाओं और जुलूसों को लेकर भी नियम कायदे हैं। चुनावी सभा करने के लिए पार्टी या उम्मीदवार को स्थान और समय के बारे में स्थानीय प्राधिकारियों को सही समय पर सूचना देनी होगी। किसी भी पार्टी, प्रत्याशी या समर्थकों को रैली या जुलूस निकालने या चुनावी सभा करने की पूर्व अनुमति पुलिस से लेना अनिवार्य होता है।
दलीय उम्मीदवार पहले ही सुनिश्चित कर लें कि जो स्थान उन्होंने चुना है वहां निषेधाज्ञा लागू नहीं है। सभा स्थल में लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति पहले हासिल करनी होती है। चुनावी सभा के आयोजन सभा में बाधा पैदा करने वाले लोगों से निपटने के लिए पुलिस की सहायता लें। किसी भी परिस्थिति में वे बाधा पैदा करने वालों के खिलाफ खुद कार्रवाई नहीं करें। एक पावर है इलेक्शन कमीशन के पास पॉलिटिकल पार्टी की, जो अभी तक मेरे ख्याल में प्रयोग में नहीं लाई गई। उसमें यह है कि अगर आप जान जान के कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कोर्ट का वायलेशन करती जा रही है, तो उस केस में इलेक्शन कमीशन के पास पावर है। वही मैं जो आपको बता रहा था सिंबल्स ऑर्डर में, जिसमें हम रिकग्नाइज़ करते हैं पार्टीज़ को, उसी में उन्होंने पावर भी दे रखी है, इलेक्शन कमीशन ने ली हुई है कि हम आपका जो रिकग्निशन है वो विड्रॉ कर लेंगे या सस्पेंड कर देंगे। उसका क्या मतलब होगा कि आप इलेक्शन में कोई आपका कॉमन सिंबल नहीं रहेगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो हम टीवी वगैरह पर टाइम देते हैं वो सब जो जितने भी फैसिलिटीज़ हैं वो विड्रॉ हो सकती। अब बात चुनावी जुलूस की। जुलूस किस समय और किस स्थान से शुरू होगा, किस मार्ग से होकर जाएगा, किस समय और किस स्थान पर समाप्त होगा, इसके बारे में स्थानीय पुलिस को पहले से ही सूचना देनी होगी। जिन इलाकों में जुलूस को गुजरना है उन इलाकों में कोई निषेधाज्ञा लागू ना हो। जुलूस का इंतजाम ऐसा हो जिससे यातायात प्रभावित ना हो। जुलूस को सड़क की बाईं ओर रखा जाए। अगर दो या अधिक राजनीतिक दलों ने लगभग उसी समय जुलूस निकालने का काम किया है तो आयोजकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जुलूसों में कोई टकराव ना हो और यातायात को बाधा नहीं पहुंचे। इस बारे में पुलिस को भी जानकारी देनी होगी। जुलूस में ऐसी चीजों का प्रयोग ना करें जिनका दुरुपयोग उत्तेजना के क्षणों में हो सके। किसी भी राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों को दूसरे राजनीतिक दलों या उनके नेताओं के पुतले लेकर चलने, उनको सार्वजनिक स्थान में जलाने और इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शनों का समर्थन नहीं करना चाहिए। भरत सिंह दिवाकर के साथ आकाश पोपली, ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संसद, सरकार और निर्वाचन आयोग ने कई मौकों पर चुनाव सुधार से जुड़े अहम फैसले लिए ताकि देश में चुनाव प्रणाली मजबूत, ईमानदार और पारदर्शी बनी रहे। आइए नजर डालते हैं चुनाव सुधार के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा उठाए गए कदमों पर और छोड़ जा रहे हैं आपको इस रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। चुनाव सुधार को लेकर भारत में समय समय पर कदम उठाए जाते रहे हैं और इस दिशा में 1988 में बड़ा कदम उठाया गया। सरकार ने युवाओं के लिए वोट देने की न्यूनतम उम्र को 21 से घटाकर 18 साल कर दिया ताकि देश के उस युवा वर्ग को अपनी भावनाएं व्यक्त करने का मौका मिले जिसे कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया था, साथ ही वो राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा भी बने। इसके बाद 1989 में चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल की व्यवस्था की गई। 1989 में बूथ पर कब्जा होने की स्थिति में चुनाव रद्द करने का प्रावधान किया गया। 1993 में देश में मतदाताओं को पहचान पत्र में फोटो की व्यवस्था की गई। 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी उस वक्त तो वोटिंग एज थी वो 21 बरस। उसके बाद में 88 वगैरह में जब देखा कि बहुत सारी इर्द गिर्द की जो कंट्रीज हैं वहाँ 18 साल का हो गया, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके 21 को 18 कर दिया पार्लियामेंट ने, तो ये एक बहुत बड़ा सुधार था। तो इस तरीके से चलता रहता है। 1996 में देश में चुनाव प्रक्रिया में और बदलाव की जरूरत महसूस की गई। चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के नामों को सूचीबद्ध किया। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवार, पंजीकृत और गैर मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवार और निर्दलियों को सूचीबद्ध किया गया। इसके अलावा चुनावी माहौल में शराब की बिक्री पर मतदान से 48 घंटे पहले पूरी तरह से प्रतिबंध लागू किया गया, साथ ही नियमों के उल्लंघन पर सजा का प्रावधान किया गया। सरकार ने मतदान के दिन वैतनिक अवकाश की सुविधा भी उपलब्ध कराई ताकि लोग मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लें। इसके अलावा उम्मीदवारों के एक साथ दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई और चुनाव प्रचार की अवधि भी सीमित की गई। 1950 में एक एक्ट बना था और एक 1951 में एक्ट बना था। 1950 का जो एक्ट है उसमें तो वो है कि आप वोटर लिस्ट कैसे बनाएंगे, उसमें कैसे अमेंडमेंट्स करेंगे, किसी का नाम छूट गया तो वो 1950 का एक्ट है। बाकी 1951 के एक्ट के मुताबिक तो है कि एक्चुअली आप इलेक्शन कैसे करवाएंगे।
कितनी देर में आप नॉमिनेशंस करवाएंगे, कौन नॉमिनेशन रिसीव करेगा, उनकी स्क्रूटनी कौन करेगा, पोलिंग कहाँ कहाँ होगी, पोलिंग स्टेशंस कहाँ कहाँ बनेंगे, कौन स्टार बनेगा, फिर काउंटिंग कब होगी, ये सारा जो है ना उस 1951 के एक्ट में ये सारा कुछ दिया हुआ है। तो उसमें जहाँ जहाँ महसूस होता रहा तो वो पार्लियामेंट जो है वो अमेंड करती रही, और इलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशंस पर जहाँ जहाँ उन्होंने ठीक समझा वो किया। निर्वाचन आयोग ने 1996 के बाद जैसे जैसे जरूरत महसूस की सुधार की प्रक्रिया को जारी रखा। सैन्य बलों में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए प्रॉक्सी मतदान की सुविधा दी गई और राजनीतिक दलों को चंदा लेने की स्वतंत्रता भी मिली। दृष्टिहीन दिव्यांग जनों के लिए ईवीएम में ब्रेन लिपि की शुरुआत 2004 में सबसे पहले आंध्र प्रदेश के आसिफ नगर निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव में की गई। इसके अलावा चुनाव प्रक्रिया में समय समय पर और भी कई अहम बदलाव किए जाते रहे, जैसे चुनाव लड़ने वाले सामान्य जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों की जमानत राशि को बढ़ाया गया, विदेशों में काम कर रहे भारतीयों को वोट डालने का अधिकार दिया गया, वक्त के साथ चुनाव खर्च की राशि की सीमा को बढ़ाया गया और कोर्ट के निर्देश के बाद ईवीएम में नोटा का विकल्प दिया गया, राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे और उसकी पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े होने शुरू हुए तो सरकार 2017 में चुनावी बॉन्ड ले आई, जिसका मकसद चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लाना और चुनाव प्रक्रिया में काले धन का इस्तेमाल पर रोक लगाना है। अब अक्सर ये बात उठने लगी है कि भारत में हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं और लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव अलग अलग कराने में काफी वक्त लगता है, भारी तादाद में संसाधन भी जुटाने पड़ते हैं, साथ ही लगातार चुनाव प्रक्रिया चलते रहने की वजह से वक्त, पैसा और मेहनत भी काफी लगती है, लिहाजा इन सभी संसाधनों की बचत करने और लोकतांत्रिक व्यवस्था को ज्यादा मजबूत बनाने के इरादे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक देश एक चुनाव का फॉर्मूला भी दिया। हालांकि अभी इस पर सभी राजनीतिक दलों में सहमति नहीं बन पाई है। राजनीति को अपराध मुक्त बनाने के लिए भी चुनाव प्रक्रिया में सुधार के तहत लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आपराधिक मुकदमों का सामना कर रहे उम्मीदवारों के मामले का जल्द निपटारा हो, इस दिशा में भी कदम उठाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।